अगर आप एक वीडियो कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप इस बात से डेफिनेटली अग्री करेंगे कि जो ऑडियो है वो है 50% ऑफ वीडियो, यानी कि अगर आपका वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है लेकिन उसमें अगर ऑडियो ख़राब है तो कोई भी उस वीडियो को देखना पसंद नहीं करेगा। वहीं पर अगर आपका वीडियो एवरेज सा है लेकिन उसमें बहुत सही ऑडियो है तो आपको उसमें बहुत ही सही एंगेजमेंट देखने को मिल सकता है। तो यार क्या हाल है, एंड वेलकम बैक टू अनदर यूज़फुल एंड हेल्पफुल वीडियो। मैं हूँ डीडी आपका यार, और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस नए माइक्रोफोन के बारे में जिसको रोड ने अभी लॉन्च किया है। और ये जो माइक्रोफोन है इसका नाम है रोड वीडियो माइक गो 2। जी हाँ, ये ब्रांड न्यू माइक्रोफोन है जिसको रोड ने अभी लॉन्च किया है। इस वीडियो में करेंगे इसको अनबॉक्स, बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में और करेंगे कुछ ऑडियो सैम्पल्स और बताएंगे कि क्या आपको ये माइक्रोफोन खरीदना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसको अगर अभी भी लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। स्वागत है आप सबका आई एम डीवाई प्रो YouTube चैनल पे। तो गाइज, ये है रोड वीडियो माइक गो 2 का बॉक्स और सामने आप देख सकते हैं लिखा गया है लाइट वेट डायरेक्शनल माइक्रोफोन। और ये जो माइक्रोफोन है ये इनका सेकंड वर्जन है इनके एक और पॉपुलर माइक्रोफोन का जिसका नाम है रोड वीडियो माइक गो। बॉक्स के साइड में आप देख सकते हैं इसके कुछ फीचर्स। ये माइक्रोफोन आता है 2 साल की वारंटी के साथ और ये एक हाईली डायरेक्शनल माइक्रोफोन है, यानी कि अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो ये माइक्रोफोन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके साथ आपको मिलता है यहाँ पे 3.5 mm का एक जैक जिसकी मदद से आप कनेक्ट कर सकते हैं माइक्रोफोन्स और हेडफोन्स को। बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा ये वाला माइक्रोफोन और इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सही है। काफ़ी छोटा सा माइक्रोफोन आपको देखने को मिलता है और काफ़ी लाइट वेट माइक्रोफोन भी है, तो आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं व्लॉगिंग के टाइम पे। डिज़ाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं ये माइक्रोफोन कैसे डिज़ाइंड है। इस डिज़ाइन को कहते हैं एनुलर डिज़ाइन और इसका डिज़ाइन बहुत सिमिलर है रोड के वीडियो माइक NTG की तरह। सामने और साइड में आप देख सकते हैं ये ग्रिल्स जो कि इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि जो भी साउंड सामने से आ रही है इस माइक्रोफोन के वो इसको सही तरीके से कैप्चर कर सके। माइक्रोफोन के साइड में आपको देखने को मिलेगा ये 3.5 mm का जैक जिसकी मदद से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने कैमरा के साथ। और इसके साथ आपको मिलता है ये 3.5 का केबल जो कि एक TRS-to-TRS केबल है। इसके साथ आपको मिलता है ये विंड फोम जिसको आप लगा सकते हैं इस माइक्रोफोन पे और एक्सटर्नल या विंडी कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हैं बहुत ज़्यादा विंडी कंडीशंस में तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस फर विंडशील्ड में जिसको डेड कैट भी कहते हैं। इसको आप आसानी से लगा सकते हैं अपने माइक्रोफोन पे और विंडी कंडीशंस में भी कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये एक ऑडियो टेस्ट है रोड वीडियो माइक गो 2 का। इसको मैंने कनेक्ट किया है मेरे M50 Mark II के साथ और आप देख सकते हैं कि सेटअप कैसा है। एक पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो आप देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है ये पूरा सेटअप। और ऑडियो आप सुन ही सकते हैं, ये मेरा M50 Mark II है और मैं यूज़ कर रहा हूँ कैनन का 1018 का लेंस जो कि एक व्लॉगिंग लेंस है। और आई होप ऑडियो आपको अच्छी तरीके से सुनाई दे रही है। टेरेस में मैं आ गया हूँ अपने इस टेस्ट को करने के लिए क्योंकि आज थोड़ा बहुत विंड भी है मेरे टेरेस पे। तो इसके बाद जो मैं टेस्ट करूँगा वो होगा इसके डेड कैट के साथ, यानी कि जो दूसरा विंडशील्ड आता है इसका फर विंडशील्ड उसके साथ मैं दिखाऊंगा आपको। फिलहाल मैंने इस पे लगा रखा है इसका फोम विंडशील्ड, तो ऐसे आप व्लॉगिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है मेरे एरिया में आज। और अब मैंने कनेक्ट कर दिया है इसके ऊपर फर विंडशील्ड जिसको डेड कैट कहते हैं। और अब जो है हवा काफ़ी चल रही है टेरेस पे, लेकिन होपफुली आपको जो ऑडियो है बहुत अच्छा सुनाई देना चाहिए। अगर आप विंडिंग कंडीशंस में वीडियोस बना रहे हैं, ब्लॉग कर रहे हैं, तो ये एक मस्ट एक्सेसरी है आपके लिए और बहुत अच्छा है। काफ़ी लाइट वेट सेटअप है इसके साथ भी और आप बड़ी आसानी से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। एक कंप्लीट ब्लॉगिंग किट बनाने के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ और एक्सेसरीज में। ये है रोड का ट्राईपॉड 2 जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही स्टर्डी ट्राईपॉड है और इसमें आपको इनबिल्ट बॉल हेड मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसका जो वर्जन 1 है इसको मैंने रिव्यू किया था एक और वीडियो में, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। बॉक्स में आपको मिलता है ये रिकॉर्ड का माउंट जो कि एक शॉक माउंट है और इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है जहाँ पे आप फिट कर सकते हैं माइक्रोफोन को और ये अच्छी तरीके से शॉक्स को अब्जॉर्ब करता है। इसके साथ साथ नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है एक कोल्ड शू का माउंट और उसके साथ साथ यहाँ पे एक ट्राईपॉड का माउंट भी है, तो आप इसको बड़ी आसानी से फिट कर सकते हैं अपने कैमरा पे या एक ट्राईपॉड पे। इस नॉब को अगर आप लूज़ करते हैं तो आप पुश कर सकते हैं इस माइक्रोफोन को आगे या पीछे। इस माउंट में आपको देखने को मिलेंगे कुछ रबर ग्रूव्स जो कि बहुत ही हेल्पफुल है खास करके वायर मैनेजमेंट के लिए। मैंने पहले ही बता दिया है कि ये माइक्रोफोन बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, तो आइए इसको टेस्ट करते हैं कि कितना वेट आता है। हम टेस्ट करेंगे इस माइक्रोफोन को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो माइक्रोफोन है इसका वेट है लगभग 39 grams। इस माइक्रोफोन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई इंटरनल बैटरी नहीं है, आप इसको डायरेक्टली प्लग एंड प्ले कर सकते हैं अपने कैमरा में या अपने मोबाइल फ़ोन पे और डायरेक्टली व्लॉगिंग या वीडियो कंटेंट बनाना शुरू कर सकते हैं।
इस माइक्रोफोन के दूसरे साइड में आपको देखने को मिलेगा एक USB-C का पोर्ट, जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं इस माइक्रोफोन को अपने कंप्यूटर के साथ और यूज कर सकते हैं इसको एज ए USB माइक। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं रोड का SC18 केबल, जो कि एक USB-A टू USB-C केबल है, और इससे आप बड़ी आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू ए USB माइक और यूज कर सकते हैं अपने पॉडकास्ट में। और अब जो आप ऑडियो सुन रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है रोड वीडियो माइक गो टू से। इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ एज अ USB माइक। इसको मैंने कनेक्ट किया है मेरे मैक के साथ इस SC18 केबल की मदद से, और ये जो केबल है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और जो लेंथ है वो भी काफ़ी बड़ी है, तो अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा दूर भी है तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सुन सकते हैं क्वालिटी कैसी है, कितना डिस्टेंस है मेरे और मेरे माइक के बीच में। मैंने कोई भी प्रोसेसिंग की नहीं है इस ऑडियो में, तो आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ऑडियो क्वालिटी कैसे लग रही है। एंड आई थिंक ये बहुत सही सेटअप है, प्लग एंड प्ले है, आपको कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको कंप्यूटर के साथ और उसके बाद पॉडकास्ट कर सकते हैं और अपने ऑनलाइन मीटिंग्स में भी इसको यूज कर सकते हैं। इस सेटअप में एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे जो 3.5 mm का जैक है उसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ हेडफोन जैक। यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं वायर्ड हेडफोन्स को और मॉनिटर कर सकते हैं अपने ऑडियो को। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये कम्प्लीटली प्लग एंड प्ले है, यानी कि आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने मैक या विंडोज़ कंप्यूटर के साथ और ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको करना है थोड़ा बहुत प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं एक फ्री ऐप रोड की तरफ से, जिसका नाम है रोड सेंट्रल। इस ऐप में आपको मिलते हैं काफ़ी सारे फीचर्स। सबसे पहले तो जब भी आप कनेक्ट करेंगे इस माइक्रोफोन को अपने कंप्यूटर के साथ, तो ये जो ऐप है ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगा इस माइक्रोफोन को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एडिशनल फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि आप पैड ऑन कर सकते हैं, आप इनपुट लेवल को चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे हाई पास फिल्टर यानी कि जो लो फ्रीक्वेंसी वाले साउंड्स हैं उसको नेगेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और नया फीचर है जो है हाई फ्रीक्वेंसी बूस्ट, अपने ऑडियो क्वालिटी को और एनहांस करने के लिए। और इसके साथ साथ आपको मिलता है यहाँ पे डायरेक्ट मॉनिटरिंग का ऑप्शन भी, तो आप डायरेक्टली मॉनिटर कर सकते हैं अपने ऑडियो को रिकॉर्डिंग करते समय। इसके साथ साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं इस माइक्रोफोन को अपने आईफोन और अपने एंड्रॉयड फोन के साथ। यहाँ पे दो और केबल्स हैं रोड की तरफ से जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये है SC16 का केबल, जो कि एक USB-C टू USB-C केबल है, तो अगर आपके एंड्रॉयड फोन में USB-C का पोर्ट है तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और रोड का एक और वायर आता है जो है SC15, जो कि लाइटनिंग टू USB-C है, तो अगर आप आईफोन्स पे हैं तो आपको डोंगल की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं आप इस माइक्रोफोन को अपने आईफोन के साथ और ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और अब मैंने कनेक्ट कर दिया है इस माइक्रोफोन को मेरे आईफोन के साथ, और आप देख सकते हैं कि सेटअप जो है कितना कॉम्पैक्ट लगता है, बड़ी आसानी से आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आपको कोई डोंगल की जरूरत नहीं है इसमें। मैं यूज कर रहा हूँ इनका SC15 केबल, जो कि एक लाइटनिंग टू USB-C केबल है, और आसानी से मैंने कनेक्ट कर दिया है इसको अपने आईफोन के साथ। इसका एक USB-C वाला वर्जन भी आता है एंड्रॉयड फोन्स के लिए, तो उसको भी यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हैं। बड़ा अच्छा सा सेटअप बन जाता है, हल्का सेटअप बन जाता है। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मेरा आईफोन 13 प्रो, और आप देख सकते हैं सिनेमैटिक मोड में कैसा बढ़िया बैकग्राउंड ब्लर आ रहा है। आसानी से ब्लॉगिंग कर सकते हैं आप इस सेटअप को यूज़ करके। इस माइक्रोफोन की ऑफिशियल प्राइसिंग है 10,000 रुपीज़, और आप इसको खरीद सकते हैं hejimmy.in से। अगर आप एक मोबाइल ब्लॉगर हैं तो देखना मेरे इस वाले वीडियो को, और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। मैं आपसे मिलने आऊँगा बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।